अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नायाब टॉपिक्स चैनल में मैं आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मुहर्रम स्पेशल रेसिपी, यानी कि खीर की रेसिपी। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो जी जनाब, चलते हैं किचन की जाने। खीर बनाने के लिए ये मैंने दूध ले लिया है, तकरीबन 1.5 किलो दूध है। ये बग़ैर पानी के बिल्कुल ख़ालिस दूध है। इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। अब हम इसमें 2 से 3 छोटी इलायचियाँ शामिल कर देंगे। दूसरी साइड पे मैंने राइस ले लिए हैं, तकरीबन ये 100 ग्राम राइस हैं। इनको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने इनको भगो के रखा हुआ है पानी में। अब मैं इनको हाथों की मदद से क्रश कर लूंगी। इसको जो है वो मैंने ग्राइंड नहीं किया, बस क्रश ही किया है हाथों की मदद से। ग्राइंड इसलिए नहीं किया कि पाउडर फॉर्म में अगर चावल डाले जाएं तो खीर का वो टेस्ट नहीं आता जो आना चाहिए। दूसरी साइड पे जो हमारा दूध है वो पक रहा है, उसमें मैं एक क्रश किए हुए राइस शामिल कर दूंगी। अब तकरीबन हम इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए दोबारा पकाएंगे हल्की आंच पे। साथ साथ मैं इसको हिलाती जाऊंगी ताकि ये नीचे ना लग पाए। अब मैं इसमें 200 ग्राम चीनी शामिल कर दूंगी और मज़ीद 10 मिनट तक पकाऊंगी। जब तक चीनी अच्छे से मिक्स ना हो जाए। खीर हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं चूल्हा बंद करके आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा कोकोनट से गार्निश कर लूँगी। ये थी आज की हमारी मुहर्रम स्पेशल खीर रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।